चुका था। अपना अपना भाग्य अनु, मुझे तो अपनी शादी से सब कुछ मिल गया है, सच्चा प्यार मिला है। तुम्हें तुम्हें कुछ तो मेरा ख्याल करना ही होगा। अनूप, तुम तो जानते हो जब मुझ पर किसी का अधिकार नहीं था तब भी तुम मुझे तोड़ नहीं पाए थे, और अब मैं जिनकी पत्नी हूं उनकी पूजा करती हूँ, बेहद प्यार करती हूँ। ये प्यार, अपनापन मैंने बड़े मुश्किल से पाया है अनूप। अगर तुम्हें मेरा जरा सी भी ख्याल है तो मेरा बसा बसाए घर मत उजाड़ो। विश्वास नहीं आता कि तुम मेरे बगैर खुश रह सकती हो। इतनी रात के इस बात के लिए तुमने मुझे बुलाया? तुम्हारी तो आंखें हैं, दिखता नहीं मैं कितनी खुश हूं। इसलिए तो कहता हूं कि तुम खुश नहीं हो, तुम अपने साथ मुझे भी धोखा दे रही हो। मंगला, दुनियादारी के लिए अपने जज्बातों का गला घोटना ठीक नहीं। मैं जानता हूं तुम आज भी मुझसे प्यार करती हो। गलतफहमी है, मैं तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। ये झूठ है, तुम मुझसे प्यार करती हो, करती हो, करती हो। अगर अपने आप को नहीं समझ सकते तो यहां से चले जाओ। चले जाओ, आओ मेरे साथ। देखो अपने आप को, देखो मेरी आंखों से, देखो और उन आंखों को भूल जाओ जिन्हें इस रूप की कशिश का एहसास भी नहीं। अपने अरमानों से इतनी दुश्मनी अच्छी नहीं। आओ मंगला, मेरे पास आओ। मैं तुम्हें दुनिया की वो सारी खुशियां दे दूंगा जो मंगला तुम मेरी हो। नहीं तुम किसी और की नहीं हो सकती। मैं चिल्लाऊंगी। अनूप, तुमने मुझे मजबूर किया है, सुबह होते ही मुझे उन्हें सब कुछ बताना पड़ेगा। इनकी गोलियां? लेकिन मैं तो कभी नींद की गोलियां नहीं खाता। लेकिन मुझे तो नींद की गोली की खाली कागज रसोई घर में मिले हैं, ये देखिए आनंद जी। अच्छा, इसलिए मेरा सर इतना भारी है। लेकिन ये वहां कैसे पहुंच गया, और फिर मुझे किसने दी होंगी सिवाय मंगला? हाँ आनंद जी, मैं भी यही कहना चाहता था, ये गोलियां आपको मंगला जी ने दी हैं। लेकिन वो ऐसा क्यों करेगी? इसलिए क्योंकि मेरे साथ गुजारा हुआ पुराना वक्त वो वापस लाने की कोशिश कर रही थी। तुम्हारे साथ गुजारा हुआ वक्त? हाँ आनंद जी, वो मुझे शादी के पहले ही जानती थी। हम एक दूसरे के इतने करीब आ चुके थे कि बात शादी तक बढ़ गई थी। इसलिए जब मैं यहां आकर ठहरा तो उनकी कमजोरी जाग उठी। जब उनके साथ बाहर गया तो कमजोरी ने उन्हें और उभारा, और कल रात, आनंद जी, कल रात तो उन्होंने अपनी मर्यादा भी छोड़ दी।
मुझे तो आपकी दोस्ती का ख्याल था आनंद जी, इसलिए मैं बात बचा गया। अब मैं यहां नहीं ठहरूंगा। यह हार उन्होंने गुस्से में आकर मेरे मुंह पर फेंक दिया था। मंगला, शादी से पहले अनूप को जानती थी? जी। उसे प्यार करती थी? जी। उससे शादी भी करना चाहती थी? जी। फिर मुझसे झूठ क्यों बोली? क्यों धोखा दिया मुझे? अपने मन का चोर छुपाकर क्यों बहलाती रही मुझे? बोलो, जवाब दो। औरत की तकदीर में पिंजरे ही पिंजरे लिखे होते हैं, उसे आप क्या आजाद करेंगे? वक्त बदलता है तो पिंजरे की शक्ल बदल जाती है। मंगला, ये मेरा दोस्त अनूप है। नमस्ते। नमस्ते। मंगला, इनका सामान अंदर रखवा लो। मेरा सामान तो होटल में है। जब मैं यहाँ अकेला था, तुम्हारी देखभाल करने वाला कोई नहीं था, तब तुम यहाँ रहते थे, और अब जब मंगला आ गई है तो तुम होटल में रहोगे? शायद इन्हें वहाँ ज्यादा आराम हो। अच्छा, एक बात बताओ, इनकी सुंदरता में सबसे सुंदर क्या है? आंखें। अब समझ में आ रहा है, अनूप से निराश होकर तुमने मेरा हाथ थामा। ये झूठ है। तुम्हें सच क्या है? सच ये है कि अनूप अपने इरादों में कामयाब नहीं हुआ, और इसलिए उसने जलकर सच को गलत ढंग से आपके सामने रखा, और कल रात उसने मुझसे बदतमीजी करनी चाहिए। उसने बदतमीजी करनी चाहिए या तुमने मुझे गोलियां खिलाकर उसे फुसलाना चाहा? ये आप क्या कह रहे हैं? आप ऐसे सोचा कैसे कि मैं ऐसी मैं और कुछ सुनना नहीं चाहता। अंधा तो था ही, तुम्हारी प्रेम कहानी सुनने से पहले मैं बहरा हो जाता तो अच्छा था। मैं अपनी सुहाग की सौगंध खाकर कहती हूँ, मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया। पाप तो मैंने किया है, तुमसे शादी करके मैंने पाप किया, तुम्हारी बेरुखी को भुलाकर मैंने पाप किया, तुम पर विश्वास करके मैंने पाप किया, सारे पाप मैंने किए, सिर्फ मैंने। बिंदिया जगाए, बिंदिया जगाए हो रामा, बिंदिया न आए, हाए बिंदिया जगाए, कारी कारी रसी चमके हमने जिया में।